मम्मा यार, आपको इस बार मैंने कोई बर्थडे पर गिफ्ट नहीं दिया, आपको सैड सैड नहीं हो रहा? क्यों सैड होगा? माशाल्लाह से आपने ये उम्रा मुझे करवा दिया मेरे लिए, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा? ये मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती है कि मेरी बेटी ने मुझे उम्रा करवाया। माशाल्लाह से और हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे आंटी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। यार कितना प्यारा कड़ा लेके आए हो यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को बताऊं कि आज मम्मा का बर्थडे था, बट यहाँ पर आकर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रह रहा, कुछ भी याद नहीं रह रहा। और आज इतना रश हो रहा है सुबह, वैसे तो रोज ही होता है बट आज मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ही रश हो रहा है। खैर, मैं और नबीहा निकले हैं मम्मा के लिए गिफ्ट लेने के लिए, और हम लोग कुछ अच्छा ही ख़रीदेंगे। यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, बट लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है यहाँ पर, भी देखते हैं। आज मैंने अपना बैग इतना हल्का कर दिया, मैं इतनी बीमार हो गई हूँ यहाँ आके। मैंने कल का व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि यहाँ आके बहुत मुश्किल होता है फ़ोन यूज़ करना, क्योंकि तो अभी हमने जो है जो हमारी नमाज रहती थी वो हमने अपने रूम में पढ़ी, और अब हम निकल रहे हैं। आज हम रोज़ा बाहर ही खोलेंगे, वरना हम 4 दिन से आए हैं तो हम सारे रोज़े जो है अपने हरम में ही खोल लेते, बट आज हम बाहर खोलेंगे। मेरे उल्टे पाँव में इतना दर्द हो गया। वो दर्द ऐसा है, मैं आप लोग को बताऊँगी ना, पैरों का दर्द नहीं है, वो हड्डी कोई मुझे लग रहा है एक्स्ट्रा बाहर आ रही है मेरी, और पता नहीं मुझे क्या हो गया है। लेकिन मैं खैर कल व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बिल्कुल वक्त नहीं मिला, और कल बहुत बड़ी रात थी तो इस वजह से। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं क्लॉक टावर, उसमें अच्छे अच्छे मॉल्स हैं, सो लेट्स सी कि मैं मम्मा के लिए क्या लेती हूँ। मैं यहाँ पर मम्मा के लिए रिंग लेने के लिए आई हूँ, दिस वन नो इसके साथ ये वाली मुझे बैठा, इसके साथ वाली भी बहुत अच्छी है, ये वाली तो आगे लग रही है, देखो अच्छी लग रही है ना, लेकिन ये बहुत, ये इसके साथ भी देखना क्या ये इसके साथ। खैर मैंने मम्मा के लिए रिंग लेनी थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव तो थी इतनी भी नहीं थी। फिर मैंने नहीं ली, गिफ्ट लेना था, अब गुस्सा आ रहा है मुझे, मैं क्या गिफ्ट दूँ मम्मा को यार। हमेशा मम्मा की इतनी ग्रैंड बर्थडे करती हूँ मैं, यहाँ पे कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ मैं, दुख हो रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, क्यों दुख हो रहा है? गिफ्ट नहीं लिया मम्मा के लिए, अभी लेने थे चल के, टेंशन किस बात की, जस्ट चल। मैं यहाँ पे सबके लिए इफ्तारी ले रही हूँ, आज हम लोग इफ्तारी अपने रूम में करेंगे। तो भाई एक ये फिश सैंडविच कर दें, और एक जो है ये कर दें कबाब रैप कर दें, 16 रियाल। एंड ये कितने का है? ओ, ये क्या है? चना। व्हाट चना? और जो मैंने सैंडविच बोले उसके साथ फ्राइज आएंगे, जो सैंडविचेस मैंने बोले। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे आंटी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स। यार कितना प्यारा कड़ा लेके आए हो यार, खूबसूरत वो वाला दिखाए, और कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह, अलग अलग लाई है ना, कितने प्यारे है ना अम्मा, बहुत प्यारे लग रहे हैं। चलो आपके पास यहाँ का एक गिफ्ट आ गया, देखो केक तक नहीं लेकर आई कश्यप। अरे मेरी पूरी प्लानिंग थी मामा के साथ, सब कैंसिल हो गया, मैं क्या करूँ, मैं हमेशा मम्मा को बड़े से बड़ा सरप्राइज देती हूँ, इस बार कुछ कर ही नहीं पाई। आंटी ने दी, आंटी ने तुम्हें सोने के हार पहनाए हैं बचपन से, और तुमने लड़ लो तुम मम्मी से भी, अम्मा ये नहीं तो अम्मा वो नहीं, अम्मा ये नहीं तो अम्मा वो, माशाल्लाह। पिछले साल मैंने इसको सोने की चेन दी थी, इस साल ब्रेसलेट दिया था गोल्ड का, याद है माशाल्लाह। और आंटी क्या तबीयत ठीक नहीं है, जो जो देख रहे हैं आंटी के लिए खास दुआ करें, और आंटी अल्लाह पाक आंटी को सेहत दे, जल्दी ठीक हो जाए, तो हम इंशाल्लाह अपना तीसरा उमरा करेंगे मदीना। गाइस हम लोग मंदी खाने के लिए आए हैं, तरासुल मंदी, और तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन खाना नहीं छोड़ सकते, खाना नहीं छोड़ेंगे, मम्मा के लिए रिंग लेने आई, मुझे कितने की मिल रही थी मैम, मुझे पसंद आई थी 900 रियाल। नहीं हम लोग इंशाल्लाह गोल्ड लेंगे, हम सब साथ लेंगे, मिलके लेंगे ना तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, आज ही लेना है ना।
खुशबू कितने मजे की आ गई यार। हमारी गर्मा गर्म मंदी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत भूख लगी थी हमें। आज हम खाएंगे ऑथेंटिक मंदी। ऑथेंटिक मंदी खाएंगे। मतलब तुम दोनों अपनी तरफ कर लोगे, हम अपनी तरफ ना करें। तो यहाँ डालो थोड़ी सी, थोड़ा उनके करीब करो ना। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उधर हो ना। गाइज ये मैंने इतना सारा खाना मंगवा ये सैयद नबी अय्यूब अहमद है ना, इतना खाना मंगवा लेती है, इतनी हवस होती है, इतनी अमीर बंदी है, दस लोगों का खाना ऑर्डर कर दिया। लेकिन हम से खा गया तो हमारी मम्मा कश्यप जो है वो खाना पैक करी है हमारे लिए, क्योंकि हम शहरी में खाएंगे और हमें हर एक घंटे बाद भूख के दौरे चढ़ते हैं, हम सब पागल हो जाते हैं। हम सब बाकी हम सबको खाना ना मिले तो हम आपस को एक दूसरे को खाना शुरू कर। बहुत 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 ज़्यादा मज़े की थी। और अब हम लोग जा रहे हैं हरम थोड़ी सी इबादत करने के लिए। सो गाइस हम लोग घर आए थे, रात में हम लोगों ने इबादत करी, मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, पता नहीं यहाँ नहीं व्लॉग बना पा रही, दिल नहीं चाह रहा। उसके अलावा ये कि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हो गई है। थोड़ा बहुत कल मम्मा का बर्थडे भी था, मैं गई थी गिफ्ट लेने के लिए, मैंने सोचा था मम्मा को कुछ छोड़ने की चीज़ दूँगी, लेकिन बजट चलो महंगा भी देती थी, बट मैंने कहा मम्मा बाद में गुस्सा ना करे कि तुमने फजूल में, क्योंकि पैसा मैटर नहीं करता मुझे, मम्मा के सामने तो बिल्कुल मैटर नहीं करता। तो खैर अब मम्मा अभी हम लोग आ जा रहे हैं मस्जिद जुर्राना, जिसकी अपडेट मैं आप लोगों को दूंगी कि मस्जिद जुर्राना क्या है। और मम्मा यार आपको एक बार मैंने कोई बर्थडे पर गिफ्ट नहीं दिया, आपको सैड सैड नहीं हो रहा? क्यों सैड होगा, माशाल्लाह से आपने उमरा मुझे करवा दिया, मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा। ये मेरे लिए बहुत खुशकस्मती है कि मेरी बेटी ने मुझे उमरा करा माशाल्लाह से। और अब हज़्ज़ो करम से मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश हैं? लेकिन मैंने हमेशा आपकी हर बर्थडे पे आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए हैं, ये क्या मतलब हमेशा सरप्राइजेस देती थी आपको। अच्छे लग रहे यार, कैसा लग रहा है तुम्हें उमरा करके? माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा आज थर्ड उमरा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर किसी को अपनी जगह पे नहीं बुलाता, बहुत ही खुश नसीब लोग होते हैं जो यहाँ पर आके इबादत करते हैं उमरा करते हैं। कौन सी मस्जिद जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं जुर्राना, जुर्राना मस्जिद, और वहाँ पर जाके देखते हैं। आप लोग को बताऊँ ये शाले इब्राहिम रास्ता है, और जो है यहाँ पे आपको जद्दा के लिए, मक्का के लिए और सब जगह की आप लोगों को जहाँ जहाँ जाना है यहाँ पे आपको सारी बसें मिल जाएंगी, और यहाँ पे आप लोग को बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अच्छा फलस्तीन होटल बना हुआ है, ये जो है ना इधर ये बना हुआ है फलस्तीन होटल, यहाँ से चल के आप इधर आएंगे आपको सारी बसें ना यहाँ पे मौजूद मिल जाएंगी। बसों के अलावा टैक्सियाँ भी आपको जो है वो यहाँ मिल जाएंगी, बसों के अलावा टैक्सियाँ भी मिल जाएंगी गाड़ी के अंदर, मतलब आप शेयर कर सकते हैं गाड़ी में। ये सारी बातें आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए आसानी हो, और अगर आप उवेश भाई के साथ आएंगे तो वो तो आपके एजेंट होंगे और आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी सिखाएंगे। तो ये है कि आप उनके साथ भी उमरा कर सकते हैं, सारी दीनी बातें आपको बताएंगे। आज जुम्मतुल विदा है और आज जो है वो रोज़ा, आज के आखिरी जुम्मा है रमज़ान का, और मैं बहुत मिस करूँगी, बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। कुआँ जो कि आप लोगों ने देखा होगा मैं उस कुएँ तक जा नहीं सकी, तो हम लोगों ने थर्ड उम्रे की नियत कर ली है, और नियत करने के बाद मेरी हाथ से खाल निकल रही थी और वो मैंने नोच दिया। मुझे टेंशन हो रही है कि लब्बैक अल्लाहुम्म लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लकुल मुल्क ला शरीक लक। मेरा दिन है और इतना बड़ा दिन है बहुत ज़्यादा, और जुम्मतुल विदा भी है, हमने सोचा आज के दिन उमरा करने का फ़ैसला करा हमने, अब हम उमरे की किस्में उसे क्या बोलते हैं, तवाफ करने जा रहे हैं, नहीं उमरे की उसमें आ जाते हैं हम, हालत हराम में उमरे की हालत है। उवेद भाई हमें वो बातें सिखाना जो हमें नहीं आती है, बट मैं सीख रही हूँ आहिस्ता आहिस्ता। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं उमरा करने के लिए, और आज जुम्मा है और आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत धूप निकली हुई है। हमने जो दो उमरे किए थे वो हमने रात के टाइम किए थे, और आज हम दोपहर के टाइम कर रहे हैं, और आज
बहुत ही सख्त मुकाबला है, बहुत ही सख्त मुकाबला। तो भाई आप लोग को बताओ, आज मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह थर्ड उमरा कंप्लीट हो चुका है और सब लोग घर चले गए थे। मैं अभी भी हरम में ही हूँ। मैंने बोला कि मैं आज हमारा यहाँ पे आखिरी रोज़ा है, मतलब आखिरी इसलिए क्योंकि हम अब मदीना चले जाएंगे और मदीना से हम लोग आएंगे 8-9 दिन बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं रोज़ा यही खोलूँ। और सब हम लोग पूरी रात के में सोए हुए थे। हम लोग जो है जुर्राना गए थे, जुर्राना के बाद हम लोग जो है उमरा करने के लिए आ गए थे। और अभी इस वक्त जो है मगरिब का टाइम होने वाला है और ये लोग जो है 4 बजे तक असर की नमाज़ पढ़ के निकल गए थे। फिर रोज़ा होटल पर ही खोलेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह भी नहीं मिल पाती है। और मैं जो है क्या बोलते हैं अभी भी हरम में ही हूँ। बस मैं ये रोज़ा खोलूँगी और फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर निकलूँगी।